उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिल सिविल लाइंस का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि कोरोना के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सीधी सहायता किसानों तक नहीं पहुंची है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से किसान बेहद मजबूर है। गन्ना खरीद के 14 दिन के अंदर उसका भुगतान कराया जाए और सम्मान निधि का 50% भुगतान भी किसानों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जल्द से जल्द उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन राष्ट्रीय आह्वान पर हुआ है और इसमें विशेष मुख्य मामला है गन्ना भुगतान, वो भी ब्याज सहित 14 दिन के अंदर अन्यथा ब्याज। तो आज हम यहाँ बिल्कुल जो भी चीनी मिल है उस चीनी मिल के क्षेत्र में नजदीक जो भी थाना आता है, अगवाड़ी चीनी मिल का सिविल लाइन थाना है, तो इसलिए आज सिविल लाइन थाने की धरती पर हमने आज यह ज्ञापन दिया राष्ट्रीय आह्वान पर। मुख्य समस्या हमारी गन्ना भुगतान, वो भी ब्याज सहित हो। नंबर दो, बिजली की बढ़ी दरें वापस हों। नंबर तीन, बिजली पर जो चार्ज लगा रखा है वो बिल्कुल समय आगे बढ़ाया जाए। डीजल और पेट्रोल की जो वृद्धि है वो वापस ली जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। ऐसे ही तमाम महंगाई चरम सीमा पे है। जब हिंदुस्तान डिजिटल है तो गन्ने का भुगतान डिजिटल क्यों नहीं? अगर पर्ची निकल सकती है दूसरा बटन दबाने से गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हो सकता? हम देश के प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में 1 लाख कर्ज माफी किसानी का वादा किया था, उसका आज तक पालन नहीं हुआ है। और जो किसान का वो मुआवजा है, किसान को जो दे रखा है सरकार ने, उसका वो 2000 रुपये प्रति किसान को नहीं मिल रहा है। प्रशासन द्वारा क्या नाम जमीन है उन्हें चाहे घर परिवार में कहीं मेंबर सबको उनका मुआवजा मिल रहा है। एडीएम प्रशासन को आपने ज्ञापन दिया, क्या एडीएम ही को हमने प्रशासन को ज्ञापन इसलिए दिया है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है गन्ना भुगतान कराने की। यहाँ 1-1 महीने तक किसान का भुगतान नहीं हो रहा और अभी गन्ना विभाग की जो घोर लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें किसान से मांगा जा रहा है फर्द, खसरा, आधार कार्ड कहाँ से लाए किसान को? क्या आश्वासन दिया उन्होंने एडीएम प्रशासन? इन्होंने कहा है कि वो नहीं ली जाएगी। अरे विभाग अपने आराम से कंप्यूटर से मंगवावे, आज पूरा इंटरनेट जुड़ा हुआ है। हमने पिछले वर्ष जो कागज इकट्ठा करके विभाग को दिए हैं, वो करोड़ रुपए के गन्ना विभाग ने कागज बेच डाले और आज फिर वही काम हो रहा है। अब कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए, हम ये नहीं किसान घर से कम निकलो, महामारी का सम्मान करो, इसमें जान है तो जहान है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। गन्ना मूल भुगतान को लेकर कृषकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उनका राष्ट्रीय आह्वान था। जनपद में हमारे अभी तक हम लोगों ने जितना गन्ना परचेज हुआ था उसका 75% का भुगतान हमने करा दिया है और हम लोगों प्रयास है कि सितंबर महीने तक 100% हम गन्ना मूल्य का भुगतान करा दें और स्थिति हमारी अच्छी है। फिर भी किसानों की मांग जमीन है और इनकी मांग को विचार करते हुए जल्दी से जल्दी मिलर्स पर दबाव बना करके गन्ना मूल्य भुगतान करें। क्या क्या मांग है? मांग विशेष तौर से गन्ना मूल्य भुगतान की है, ब्याज की भी मांग है इनकी कि हमें ब्याज दिया जाए। तो ब्याज की मांग शासन स्तर पर ही इनकी निस्तारित हो सकती है। हम ब्याज के संबंध में शासन को भी पत्राचार करेंगे, शासन से यदि अनुमति मिलती है तो ब्याज की भी इनकी भुगतान किया जाए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।